गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट, सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मैंने आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताया था कि लिविंग थिंग्स क्या होती है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसकी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की एक्सरसाइज नंबर 3 करते हैं। देखिए, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, जो सेंटेंस राइट है उसके आगे हमें ट्रू यानी सही का चिन्ह लगाना है, और जो रॉन्ग है उसके आगे हम एफ फॉर फॉल्स का चिन्ह, फॉल्स एफ राइट करेंगे या क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप माउंटेन आर मैड मर्ड थिंग। तो स्टूडेंट्स, माउंटेन जो है वो मैडमर थिंग्स है। नो स्टूडेंट्स, माउंटेन क्या है? एक नेचुरल थिंग है, क्योंकि वो हमें नेचर से मिली, यानी प्रकृति से मिली है। तो ये क्या है? रॉन्ग है। माउंटेन आर मैडमर थिंग, जो माउंटेन है वो मैडमर थिंग्स नहीं है। तो ये क्या है? रॉन्ग है। आप राइट करेंगे एफ। सेकेंड है, नेचुरल थिंग्स आर मेड बाय मैन। जो नेचुरल थिंग्स है वो मेड यानी मनुष्य द्वारा बनाई गई है। नो स्टूडेंट्स, नेचुरल चीज़ तो हमें नेचर यानी प्रकृति से मिली है, नेचर से मिली है। तो ये क्या है? रॉन्ग है। आप एफ राइट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3, प्लांट एंड एनिमल आर लिविंग थिंग्स। जो प्लांट्स यानी पेड़ पौधे हैं और एनिमल्स हैं वो लिविंग थिंग्स है। यस, ट्रू। तो आप टी राइट करेंगे। नेक्स्ट है, लिविंग थिंग्स कैन मूव एंड ब्रीथ। जो लिविंग थिंग्स है वो मूव करती है एंड ब्रीथ यानी सांस लेती है। तो लिविंग थिंग्स मूव भी करती है स्टूडेंट्स, और ब्रीथ मीन सांस भी लेती है। तो ये क्या है? ट्रू है, यानी सही है। फिर देखिए, रिवर इज नेचुरल एंड नॉन लिविंग थिंग। तो स्टूडेंट्स, जो रिवर है वो क्या है? नेचुरल थिंग्स भी है और ये नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। तो इसमें आप क्या राइट करेंगे? ट्रू। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको इसको एक बार वापस से एक्सप्लेन करती हूँ। माउंटेन आर मैडमर थिंग, जो माउंटेन है वो मैडमर थिंग है। नो स्टूडेंट्स, वो नेचुरल थिंग्स है। आप इसमें क्या राइट करेंगे? फॉल्स। नेचुरल थिंग्स आर मेड बाय मैन, जो नेचुरल थिंग्स है वो मनुष्य द्वारा बनाई गई है, नहीं। आप राइट करेंगे फॉल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग, जो प्लांट है एनिमल है वो क्या है? लिविंग थिंग्स है। राइट, आप ट्रू का टी राइट करेंगे। लिविंग थिंग्स कैन मूव एंड ब्रीथ, जो लिविंग थिंग्स है वो मूव करती है, ब्रीथ यानी सांस लेती है, लेती है स्टूडेंट्स। आप राइट करेंगे ट्रू। रिवर इज नेचुरल एंड नॉन लिविंग थिंग, जो रिवर है वो नेचुरल एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी है। तो आप इसमें क्या राइट करेंगे? ट्रू। अब देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग थिंग्स, कि लिविंग थिंग्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग थिंग्स, कि लिविंग थिंग्स क्या है? लिविंग थिंग्स आर थिंग्स दैट आर अलाइव, यानी जिसमें जीव होता है, ठीक है, जो मूव करती है, फील करती है, ब्रीथ लेती है, वो क्या होती है? लिविंग थिंग्स होती है। तो देखिए, लिविंग थिंग्स आर थिंग्स दैट आर अलाइव। नेक्स्ट, गिव सम एग्जांपल ऑफ लिविंग थिंग्स, आपको लिविंग थिंग्स के कुछ एग्जांपल बताने हैं। देखिए, ह्यूमन बींग्स, ये भी ग्रो करती है, एनिमल्स, प्लांट, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ये क्या है? लिविंग थिंग्स है, यानी लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, वॉट डू यू मीन्स बाय नॉन लिविंग थिंग्स,
कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। नॉन लिविंग थिंग्स आर थिंग्स दैट आर नॉट अलाइव, यानी जिसमें जीव नहीं है या जीवन नहीं है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, आपको नॉन लिविंग थिंग्स के कुछ एग्जाम्पल बताने हैं। देखिए चेयर, टेबल, पेंसिल, बोतल, टॉयज, ईटीसी का मतलब होता है इत्यादि, ये सब क्या है आपके नॉन लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट, व्हाट इज ए हाउस, ए मैडमर्ड थिंग्स और ए नेचुरल थिंग्स। एक जो हाउस है वो क्या है, नेचुरल थिंग्स है या मैडमर्ड थिंग्स है। तो स्टूडेंट्स हाउस क्या है, मैडमर्ड थिंग्स है, क्योंकि वो इंसानों द्वारा यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया है। अब देखिए एक बार, व्हाट डू यू मीन्स बाय, मैं आपको क्वेश्चन आंसर रिवाइज करवा रही हूँ। व्हाट डू यू मीन्स बाय लिविंग थिंग्स, कि लिविंग थिंग्स क्या है। तो लिविंग थिंग्स आर थिंग्स दैट आर अलाइव, यानी जिसमें जीव है जो क्या, वो क्या होती है, लिविंग थिंग्स होती है। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के कुछ एग्जाम्पल दीजिए। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ये क्या है, लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन लिविंग थिंग्स, कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। नॉन लिविंग थिंग्स आर दैट आर थिंग्स दैट आर नॉट अलाइव, कि वो जो चीज़ें जिनमें जीव नहीं होता है वो क्या होती है आप लोगों के, नॉन लिविंग थिंग्स होती है। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, कि नॉन लिविंग थिंग्स के कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो देखिए चेयर, टेबल, पेंसिल, बोतल, टॉय, ईटीसी, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल है। व्हाट इज ए हाउस, ए मैडमर्ड थिंग्स और ए नेचुरल थिंग्स। एक जो हाउस है वो क्या है, नेचुरल थिंग्स है या मैडमर्ड थिंग्स है। तो क्या है स्टूडेंट्स, मैडमर्ड थिंग्स है वो। तो स्टूडेंट्स आपको ये अपने नोटबुक में आप टॉपिक का नेम राइट करेंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, एक्सरसाइज नंबर 3 डाल के आप ये ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लर्न एंड राइट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।